तो दोस्तों एक कॉल मुझे आया था रसल स्वाइपर का, यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र में उसको घोनस के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक हाथ से पकड़ा उसको, हालांकि वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई थी और वहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला था और वहाँ पे एक शख्स थे जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद उस वाइपर को पकड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी जहरीला सांप है ये। हालांकि इसका स्वभाव शांत है, लेकिन ये कब क्या गुल खिलाएगा इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता। तो काफ़ी देर मैंने उसको पकड़ा और जब वो उस शख्स ने मुझे कॉल किया तब ये सांप ऑलरेडी बाहर था और काफ़ी देर से, वो आधे घंटे से अपने ऊपर बालकोनी से देख रहा था उसको, गैलरी से देख रहा था। लेकिन मैंने उसको पहले बताया था जैसे मैं वहाँ पे करीब पहुँचूँगा तो बिना आवाज़ के मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, जैसे मैं उसकी थोड़ा सा रेंज में पहुँचूँगा तो वो तुरंत भागेगा। तो जैसे वो भागने लगा तो मैंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैंने एक अपना जो जो बैग है उस बैग को रेडी करके रखा और उसमें डालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बावजूद भी वो अंदर जा नहीं रहा था। ऐसा बहुत बार होता है कभी कभी कि कोई सांप बहुत आसानी से चले जाता है और कभी कभी वो जल्दी नहीं जाता। लेकिन इस ख़तरनाक सांप को ज़्यादा देर हाथ में पकड़ना यानी मौत को दावत देना है। इसकी वजह से मैंने एक्चुअली मुझे काफ़ी समय लगा और वहाँ पे दूसरा कोई मदद के लिए नहीं था। इसकी वजह से मेरे हाथ थक जाते थे और मैं उसको नीचे ज़्यादा देर उसको रुका कर नहीं रख सकता था, क्योंकि रसल स्वाइपर एक ऐसा सांप है कि जैसे अगर आपने उसको ज़मीन पर अगर टिका के रख दिया तो ज़मीन से उसको एक ऐसा फोर्स मिलता है और वो तुरंत उसी वक्त छलांग लगाकर आपको 2 से 2.5 फुट की छलांग को भी वो आपको आपके हाथ पे काट सकता है। तो इसकी वजह से उसको ज़्यादा देर मैं हाथ में नहीं पकड़ सकता था। तो मेरे भी हाथ काफ़ी थक गए, हर ट्राई किया मैंने उसको। पहले मैंने जो मेरा जो बैग है, बैग के आगे एक पाइप का एक टुकड़ा बांधा और उस टुकड़े को बांध कर मैंने पहले कोशिश की, फिर भी जा नहीं रहा था। फिर उस टुकड़े को निकाला, बाद में फिर उस बैग को खोल कर एक साइड में 2 पत्थर रखे, तभी भी नहीं जा रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी वजह ऐसी होती है कि जैसे आपको रेस्क्यू कॉल बहुत सारे कभी कभी कंटिन्यू आते हैं और कंटिन्यू आने के बाद क्या होता है कि उस थैले के अंदर, उस थैली को हमको धोने का टाइम नहीं मिलता और उस थैली के अंदर सांप को दूसरे सांप की गंध आती है जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं जाता। तो काफ़ी मेरे हाथ थक गए और आखिर में फिर मुझे एक एक गोनी मंगानी पड़ी, एक बोरी मंगानी पड़ी और फिर उस बोरी के अंदर मुझे उसको डालना पड़ा, क्योंकि भारत देश का काफ़ी ख़तरनाक और जहरीला सांप है रसल स्वाइपर, महाराष्ट्र में घोनस के नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, कोई इसको चिट्टी के नाम से जानता है, कोई चंद्रबोड़ा के नाम से जानता है, बहुत सारे इसके नाम है। काफ़ी घातक सांप है ये। तो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद तब जाकर मैंने इसको एक गोनी के अंदर डालने की कोशिश की और उसके बाद वो फिर वो गया और काफ़ी एग्रेसिव था और काफ़ी गुस्सैल था, इसकी आवाज़ भी काफ़ी आ रही थी। तो हमको क्या करना है कि जब आपको ऐसा कुछ कॉल होता है और कभी कभी रसल स्वाइपर का वेट भी इतना होता है और आपके अगर हाथ भी थक जाते हैं तो उसको आसानी से ज़मीन पर रखकर ये मत सोचो कि मैंने इसको ज़मीन पर रखा हुआ ये कुछ करेगा नहीं, ये कब झपट्टा आपको मार देगा और कब आपको मौत के दरवाजे तक पहुँचा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो काफ़ी संभल कर हमको ये काम करना है। तो वीडियो बनाने का मकसद है कि जो नए सरपंच मित्र थोड़ा सा सतर्क रहे और चौकन्ना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।